योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकलोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिमा आसनों की श्रृंखला में अब प्रस्तुत है त्रिकोण आसन। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि शरीर के अवयवों का जो रूप बनता है वो कोण की आकार में बनता है। कोण में तीन स्थितियां होती हैं, आधार रेखा और एक साइड की रेखा, इधर दाएं और बाएं दोनों साइड की रेखाएं, और इनको मिलकर के तीन कोण बनते हैं। तो त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण। तो हमारे शरीर की आकृति, हाथ और टांगों की और बीच के भाग की, विभिन्न स्थानों पर एक कोण बनता जाता है। कोण की जो गणित के अंदर शक्ति है, जो उसका अर्थ है, वो यह है कि उस दो समकोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री उसका मान होता है और एक सरल रेखा बन जाती है। तो पूरे नस नाड़ियों के अंदर सरलता, लचक और जो प्रवाह है प्राण का, ऑक्सीजन की स्थिति, रक्त का प्रवाह, ये सब कुछ उचित मात्रा में होता है और शरीर मजबूत और स्फूर्तियुक्त होता है। और जो चर्बी होती है अतिरिक्त, वो धीरे धीरे इससे कम होती जाती है और शरीर का मान भी बढ़ता है, शरीर की लंबाई भी बढ़ती है इससे। तो ये बहुत उपयोगी है ये आसन। बहुत इसके कई तरीके हैं। तो इसमें प्रारंभिक स्थिति में दो ही इसके जो तरीके हैं उनका अभ्यास कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आगे बहुत और जो उसके अवांतर छोटे छोटे और विभाग हैं उनका अभ्यास भी लोग बाद में किया करते हैं और उसके अलग अलग लाभ हैं। तो अब आइए इस आसन के करने के ढंग को हम लोग देखें। आसन की स्थिति, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरें धीरे धीरे। ये आसन की तैयारी हुई। आप धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे की ओर आएं, हाथों को नीचे करते हुए और टांगों में फासला दें। आप पहले बाईं तरफ की ओर झुकेंगे, एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा घुटनों के पास से मोड़कर और धीरे धीरे उसी तरफ के हाथ को अपने पैर से लगाते हुए और पंजे तक ले जाएं और दूसरे हाथ को आकाश की ओर करें। दूसरा हाथ ऊपर की ओर और दृष्टि हाथ की हथेली की तरफ को
और अंदर श्वास भरा हुआ रहेगा, जिससे पूरे शरीर की नस नाड़ियों में एक खिंचाव और पूरी प्राण शक्ति का संचार होता रहेगा। आप वापस पूर्वत स्थिति में आए, धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर करते हुए अब सीधे हो जाएं, हाथ को नीचे के हाथ को भी उठा करके, और अब दूसरी ओर की क्रिया होगी, दूसरी तरफ उसी तरह से मुड़ना है। धीरे धीरे पहले हाथ को नीचे ले जाएं और दूसरी तरफ के हाथ को सीधे आकाश की ओर, आसमान की तरफ करते हुए कनपट्टी पर ला करके आगे की ओर झुका दें और हथेली को देखें, हथेली की तरफ दृष्टि, श्वास भरा हुआ, इससे टांगों में पूरा खिंचाव होता है, घुटनों पर पूरा बल पड़ता है और कमर की दोनों तरफ भी इससे खिंचाव, दबाव और झुकाव पैदा होता है। आप पुनः इसको वापस पूर्वत स्थिति में धीरे धीरे आएं, हाथ को नीचे की ओर करते हुए चले जाएं और नीचे का हाथ ऊपर की ओर उठा लें और पूर्वत स्थिति में विश्राम की स्थिति में ले जाएं पीछे की तरफ। यह एक प्रकार की स्थिति दाएं और बाएं तरफ की हुई। अब इसका विपरीत क्रम से, अर्थात बाएं हाथ से दाएं पैर को छुएंगे और दाएं हाथ से फिर बाएं पैर को छुएंगे, इस प्रकार विपरीत क्रम से नाड़ियों के अंदर एक तरह की मरोड़ देकर पूरी तरह से उनके दोषों को दूर किया जाता है। आप दूसरे आयाम की स्थिति, दोनों पैर मिलाएं और श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं धीरे धीरे। ये आसन की तैयारी हुई, धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए दोनों हाथ अपने साइड में ले जाएं और टांगों को फैलाएं, जितने आसानी से फैला सकते हैं उतना ही। अब पैरे लेफ्ट की तरफ को झुकें, लेफ्ट की तरफ बाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ से बायां पैर छुएं करें। दूसरे स्थिति से ये नहीं, दूसरा, हाँ, हाथ को ऊपर रखें और इस स्थिति में थोड़ी देर ठहरें श्वास रोके हुए। आप वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को समानांतर करके अब दूसरे हाथ से बाएं हाथ से दायां पैर और हाथ को ऊपर, अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस पूर्वत स्थिति में दोनों हाथों को रखकर पैरों को भी धीरे धीरे वापस लाइए अपनी पूर्वत स्थिति में, पैरों को मिलाकर और थोड़ा फासला देकर के विश्राम की स्थिति। इस प्रकार त्रिकोण आसन की दोनों स्थितियां, एक सम स्थिति और एक व्युत्क्रम स्थिति, दोनों स्थितियों से दो तरह से आकृतियां शरीर में बनती हैं विभिन्न अंगों में। यह आसन हमारे दैनिक जीवन में सफलता के लिए बहुत उपयोगी है। मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, हमारे कमर में खिंचाव होता है, इससे कमर दर्द भी ठीक होता है, इससे चर्बी भी कम होती है और घुटने, टांगे, बाजू और गर्दन, इसमें नाड़ियों में खिंचाव होता है, जिससे वहाँ रस रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह वो उचित मात्रा में होता है। यह आसन
स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स उनके बहुत काम का है। इससे वो उछल कूद बहुत आसानी से कर सकते हैं, शरीर में एक स्पंज जैसा वो लचक आ जाती है और स्फूर्ति बनी रहती है। तो यह आसन प्रतिदिन 1 मिनट से 2 मिनट तक अगर कर लें तो पूरा दिन एकदम शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है। तो इस प्रकार ये आसन संपन्न होता है। इस आसन को हर आयु वर्ग के लोग करते हैं, कर सकते हैं। और इस खाली पेट ही किया जाता है, जैसे और आसन हैं उसी तरह से उसके साथ इस आसन के करने के बाद शव आसन आवश्यक है। इस आसन से जो टेढ़े मेढ़े बैठते हैं या टेढ़े ढंग से चलते हैं या झुककर चलते हैं तो कुछ समय के बाद वो आदत पड़ जाती है, बाद में कमर झुकने लगती है और कंधे टेढ़े होने लगते हैं। वो सब विकृतियाँ इससे दूर होती जाती हैं और स्वस्थ और सुडौल बन जाता है शरीर, उससे स्फूर्ति आती है और शरीर एकदम चुस्त और दुरुस्त बन जाता है। स्पोर्ट्स और एथलीट्स के जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह आसन बहुत वरदान सिद्ध होता है। उससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ इन सब में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। इस आसन को प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 बार 3 बार 4 बार करके हम तरोताज़ा हो लें और उसके बाद पूरे दिन बिना थके हुए कार्य करने की शक्ति अर्जित करें। ये आसन बहुत उपयोगी है और टांगे उतनी ही चौड़ाएँ जितना कि संतुलन बन जाए। ज़्यादा चौड़ाने से संतुलन बिगड़ने का डर रहेगा। कोई भी आसन थकावट के लिए नहीं होता, वो थकावट दूर करने के लिए हुआ करता है, ये ध्यान रखें। तो इस तरह यह आसन संपन्न हुआ। ओम। त्रिकोण आसन हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी है। इससे मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, शरीर के बैठने का पोस्चर ठीक होता है, चर्बी घटती है और इससे घुटनों, टांगों, बाहों की नाड़ियों में खिंचाव होता है, जिससे वहां रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह उचित मात्रा में होता है। ये आसन खिलाड़ियों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे वे उछल कूद आसानी से कर सकते हैं और उनके शरीर में स्पंज जैसी लचक आ जाती है और शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहती है। यदि ये आसन प्रतिदिन 1 मिनट से 2 मिनट तक कर लिया जाए तो हमारा शरीर सारा दिन चुस्त दुरुस्त बना रहता है। योगाभ्यास से संबंधित कुछ सावधानियाँ। योगाभ्यास योग गुरु की देखरेख में करें। हर आसन की एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। अभ्यास का स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार हो। अभ्यास अपनी शक्ति से ज्यादा ना करें। अभ्यास के दौरान पंखा ना चलाएं। यदि बीमार हो या योग का अभ्यास करते समय
कोई परेशानी या थकान महसूस हो तो योग गुरु या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।